नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर में दो डायग्नोसिस है, एक तो फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर और मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। तो आज हम बात करेंगे मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर के बारे में, ये क्या होता है। उम्मीद है आप सब लोगों ने हमारा होम्योपैथी इनसाइट यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लिया होगा, जहाँ पर आप सारे फ्री वीडियो देख ही सकते होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो वीडियोस हमने डाले हैं उसको भी आपने सब्सक्राइब किया होगा, सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर। ऑर्गेजम एक उच्चतम स्थिति है सेक्स के दौरान, जहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और यह एक्साइटमेंट फील करने की जो प्रोसेस होती है, माने सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टेज, फिर प्रॉपर इंटरकोर्स और फिर ऑर्गेजम आता है। लेकिन जब हम मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो होता क्या है कि जो एक्साइटमेंट फेज है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, मतलब सेक्स के प्रक्रिया में जो एक्साइटमेंट फेज होता है वह प्रॉपर होता है। इंटरकोर्स माने इंसर्शन और ये सारी क्रिया ही भी प्रॉपर होती है। लेकिन जब बात ऑर्गेजम की आती है, माने जो उच्चतम स्थिति जहाँ पे व्यक्ति सेक्स करने के बाद पहुँचता है, जो फीलिंग होता है वह एक तो लैकिंग होता है, माने अब्सेंट होगा या फिर बहुत देरी से आएगा, डिलेड होगा। ये मेल और फीमेल में कॉमन है, लेकिन मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर में और एक प्रॉब्लम होता है, उसे या तो ऑर्गेजम डिलेड होगा मतलब देरी से आएगा, या तो अब्सेंट होगा। अब ये जो ऑर्गेजम है, जब भी डिले होता है या अब्सेंट होता है, इसमें होता क्या है, या तो उसके साथ साथ उसको इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम होगा, माने ऑर्गेजम डिलेड हो गया, साथ में या तो इजैकुलेशन हुआ ही नहीं या इजैकुलेशन जल्दी हो गया, या फिर ऑर्गेजम आया ही नहीं, माने ऑर्गेजम अब्सेंट है और इजैकुलेशन पहले हो गया। इजैकुलेशन के साथ साथ एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्गेजम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इजैकुलेशन और जो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एकदम एक्साइटमेंट वाला फेज जो है वो साथ साथ आता है। लेकिन इसमें क्या, पुरुषों में क्या होता है कि या तो इजैकुलेशन होगा या नहीं भी होगा, दोनों चीज़ें होती है, और साथ ही साथ वो या तो डिले हो सकता है ऑर्गेजम या फिर अब्सेंट हो सकता है। तो फीमेल से ये थोड़ा अलग है, इनका इजैकुलेशन के साथ भी संबंध आता है। ये जो मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर है, ये या तो रिकरेंट हो सकता है या फिर परसिस्टेंट या परमानेंट हो सकता है। मतलब पेशेंट आके जनरली हमें बताते हैं कि कभी एक्साइटमेंट आती है या कभी ऑर्गेजम हो जाता है, कभी ऑर्गेजम होता ही नहीं है प्रॉपरली। तो ये दो स्टेट में वो रह सकता है, या माने पहले तो उसका एक नॉर्मल सेक्सुअल पीरियड चला गया, उसके बाद रिकरेंटली कुछ समय के बाद उसे ये फील होने लग गया कि ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, या उसे ऐसा लगता है कि परसिस्टेंटली एकदम से यह ऑर्गेजम आना बंद हो गया है। तो ये दो स्थिति हो सकती है, दो वेरिएबल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट की। होम्योपैथी में बहुत सारी स्पेसिफिक मेडिसिन इसके लिए है, एलोपैथी में जनरली कोई स्पेसिफिक मेडिसिन मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर के लिए नहीं है। जो मेडिसिन्स है वह टिपिकली सारे सेक्स के प्रॉब्लम के लिए जनरली कुछ चुनिंदा मेडिसिन्स है जिसका इस्तेमाल एलोपैथी में होता रहा है। लेकिन होम्योपैथी में स्पेसिफिक रूब्रिक है, क्लिनिकल रूब्रिक से, जहाँ स्पेसिफिक मेडिसिन हमें देखने को मिलती है। अगर प्रॉपर केस टेकिंग किया जाए और इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत अच्छे से इनको ऑर्गेजम आने में हेल्प हो जाती है। देखते हैं वो मेडिसिन कौन सी है। कुछ खास मेडिसिन जैसे एगेरिकस, एनाकार्डियम, कॉस्टिकम, सेपिया, कैनाबिस, देन फॉस्परस, कैलाडियम, सेलिनियम, यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर के लिए। अगर हम इन्हें प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट करें और साथ ही साथ अगर वह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यह रूब्रिक और यह सेक्सुअल अरोजल डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया है ये भी फुलफिल करती होंगी, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इनके आते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि प्रॉपरली आपको कॉन्स्टिट्यूशनली तो सिलेक्ट करना ही है, लेकिन क्लिनिकल बेसिस पे अगर सिलेक्ट करना है तो प्रॉपर रूब्रिक आपको सिलेक्ट करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से अगर आप केस टेकिंग लेंगे और हर पेशेंट में उसके सिम्टम वेरिएबल होंगे, मान के चलो अगर वह मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर का पेशेंट भी होगा, मतलब हमने क्लिनिकली अगर उसे डायग्नोस कर दिया, लेकिन उसके जो, जिसे हम कहते हैं मॉडलिटीज़ और उसके जो वेरिएबल है चीज़ें,
उसके लक्षण, तो उस पर अगर हम गौर करें तो हम प्रॉपर रूब्रिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर मेडिसिन हम उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकर आएंगे आपके लिए और भी वीडियोस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हमारे ऐप को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।